अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन सीएस 217। आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है डेटाबेस मॉडल। एक्चुअल में सारा का सारा जो डेटाबेस होता है वो डेटाबेस मॉडल पे ही रिलाई कर रहा होता है, यानी मॉडल ही इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर डेटाबेस मॉडल की हम लोग डेफिनेशन देखें तो अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। यानी कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो ये डिफाइन कर रहे हैं कि डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज किस तरह से होगा। तो इस चीज़ को, इस स्ट्रक्चर को या इस मॉडल को हम लोग कहते हैं कि इट इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। इट आल्सो डिफाइंस हाउ यूजर्स व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यानी हमें देखने से कैसे पता चलेगा कि डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज है या किस तरह स्टोर है। तो डेटाबेस मॉडल ही ये चीज़ डिफाइन करता है कि यूज़र्स जब देखेंगे तो उन्हें भी डेटाबेस मॉडल ही बताएगा कि सारा का सारा डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो डेटाबेस मॉडल्स की जो हैं हमारे पास तीन टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली है हायरार्कियल मॉडल, द सेकंड वन इज़ नेटवर्क मॉडल एंड द थर्ड वन इज़ रिलेशनल मॉडल। हायरार्कियल मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है कि डेटाबेस जो है एक हायरार्की के तहत काम कर रहा है, यानी एक फ़्लो चार्ट की तरह काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग कहें कि एक कंपनी का डेटाबेस लगा लें, सबसे ऊपर CEO है, उसके बाद स्टाफ आएगा, उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और फिर फर्दर आगे कुछ कस्टमर्स या जो भी, ठीक है। एक हायरार्की में डाटा चल रहा है, एक फ़्लो चार्ट में डाटा चल रहा है। उसके बाद अगर नेटवर्क मॉडल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, किसी भी तरह कनेक्ट हैं, यानी उनका एक नेटवर्क बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ आ नेटवर्क मॉडल, यानी डेटाबेस का ये जो मॉडल है जिसमें इस तरह से सारे कंप्यूटर्स या सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ये एक नेटवर्क मॉडल है। और जो थर्ड वन टाइप है दैट इज़ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई रिलेशन है, यानी कुछ एंटिटीज़ हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनका आपस में रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशनल मॉडल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका वन टू मैनी टीचर्स के साथ रिलेशन है। अब टीचर है, उसका वन टू मैनी स्टूडेंट के साथ हो सकता है, ठीक है। एक टीचर डिफरेंट स्टूडेंट्स को भी तो पढ़ाता है। इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या एंटिटीज़ हैं, उनका आपस में जो भी रिलेशन है, हो सकता है रिलेशन वन टू वन हो, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी हो, या कोई भी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस। तो ये हमारे पास डेटाबेस मॉडल की डेफिनेशन और इसकी तीनों टाइप्स हैं।